प्रकट जी ने कहा कि प्रभु जन्म जन्म तक मैंने कई सारे पाप भी किए होंगे, मुझे नहीं पता कि मैंने कोई भक्ति की होगी या कोई पुण्य किया होगा, और ये जीवन भी पूरा बीत गया है, लोगों को बैठा करके इधर से उधर करना, इधर से उधर करना, पार करना, पर आज सबसे बढ़िया सबसे महान उतराई मैंने आज ही तो पाई है। आप मेरे नाव में बैठने के लिए आ गए प्रभु, मेरे पास में ना भक्ति है, ना जप है, ना तप है, ना ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप मेरी नैया में बैठने के लिए आ गए हो, तो आज तो मैंने जन्म जन्म की उतराई प्रभु पा ली है, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो श्री राम जी ने कहा कि भैया तो बहुत छोटी सी मुद्रिका है, थोड़ा तो लेना पड़ेगा। तो श्री केवट जी ने कहा कि नहीं प्रभु, इस समान कोई उतराई मुझे मिल ही नहीं सकती है। बड़े बड़े संत महात्मा को इतनी साधना करने के बाद भी जो चरण नहीं प्राप्त होते हैं वो मैंने ऐसे ही प्राप्त कर लिए, तो मुझे तो यही उतराई चाहिए थी जो मिल गई है। तो श्री राम जी ने मुस्कुराते कहा, लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि भैया ऐसा है कि इसकी मनवार करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले ये अब आपका दास हो गया है, इसने वहाँ प्रणाम नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो प्रणाम कर लिया है ना, तो प्रणाम करने का अर्थ है दास हो गया है, और दास स्वामी के सामने बोलता नहीं है, जैसा जैसा स्वामी कहता है वैसा वैसा स्वामी को करना, दास को करना पड़ता है। तो ये आपका दास हो गया है, आप स्वामी हो गए हो, तो इसकी मनवार नहीं, बल्कि आप इसको ऑर्डर दो कि केवट मुद्रिका पकड़ो और जल्दी से इसको स्वीकार करो। तो लक्ष्मण लाल जी की बात सुन के श्री केवट महाराज जी को हंसी आ गई, बोले छोटे सरकार आप बुद्धि तो बहुत तेज रखते हो, लेकिन मैं भी आपसे कोई कम नहीं हूँ। आप मुझे बार बार कह रहे हो कि लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि एक ही जाति वाले आपस में लेना देना नहीं करते हैं, ऐसे ही काम उधारी में चल जाता है। तो लक्ष्मण लाल जी का मतलब, बोले आपके इन भाई साहब और हमारी एक ही जाति है। तो लखन लाल जी को गुस्सा आ गया, बोले मूर्ख मेरे भैया ने थोड़े से लाड़ लड़ा लेते तुम इतना सिर पे बैठ गए हो, हमारी जाति को ही एक बना रहे हो, हम रघुवंशी लोग इतने ऊंचे कुल के हैं, तुम इतने छोटे कुल के हो, हमारी और तुम्हारी जाति एक कैसे हो गई। तो श्री केवट जी ने कहा कि आपके भाई साहब की और हमारी एक जाति है। तो बोले हाँ हाँ भाई तो हमारे ही है। तो श्री केवट जी ने कहा कि अच्छा पूछो अपने भाई साहब से। तो राम जी जानते तो हैं, लेकिन लक्ष्मण लाल जी से कहा कि देखो तुम ही जानते हो ये कब से अटपटी बानी बोल रहा है, मुझे नहीं पता इससे ही पूछो। तो श्री राम जी ने पूछा केवट जी से, लक्ष्मण लाल जी ने कहा अच्छा तुम ही बताओ एक जाति के कैसे हुए। तो बोले श्री केवट जी ने कहा कि देखो मैं गंगा से पार करने वाला एक नाविक हूँ, नाव में बैठा के लोगों को गंगा पार करता हूँ, और आपके जो भाई साहब है ये भी केवटी है, ये भी लोगों को नाव में बैठाते हैं, ये भी लोगों को पारी करते हैं, फर्क इतना है कि मैं छोटी सी नैया छोटी सी गंगा से पार करने वाला केवट हूँ और आपके भाई साहब भवसागर से पार करने वाले केवट है, पर हुए तो सही ना, काम तो एक है ना, व्यवसाय तो एक है ना, भले छोटा बड़ा इनका बड़ा कारोबार है मेरा छोटा है, पर काम तो एक है ना, मैं भी लोगों को पार करता हूँ ये भी लोगों को पारी करते, तो एक जाति के हुए कि नहीं हुए। तो लखन लाल जी भी हंसने लगे। राम जी ने कहा अच्छा तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो और ये मुद्रिका रख लो। केवट जी ने कहा कि प्रभु आप जिस तरह अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए आए हो, उसी प्रकार हमारे भी पिताजी ने कहा था कि कभी भी गंगा के किनारे कोई गरीब व्यक्ति आ जाए, निर्बल आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, तो उन्हें फ्री में बैठा करके पार करना। तो आज इस समय आप आए हो प्रभु बिल्कुल वलकल वस्त्र धारण करके, साधु वेश में आप आए हो, इसीलिए मेरे पिता के वचन के अनुसार मैं इस टाइम तो आपसे कुछ नहीं लूँगा, हाँ उधर से आओगे ना तब जो भी दोगे मैं स्वीकार कर लूँगा। तो लखन लाल जी का नहीं भैया इसके चक्कर में नहीं पड़ना, ये यूँ चाह रहा है कि इधर से जितने नाच नचवाए ताकि उधर से जब आए तो फिर ऐसे ही नाच नचवाए, तो अब तो इधर से आना ही नहीं है। तो राम जी ने कहा कि केवट मान लो। तो श्री केवट जी ने कहा कि प्रभु ठीक है आपको ज्यादा देने का शौक है ना, तो फिर मुझे एक वचन दे दीजिए। क्या? बोले वचन ये है कि आप मेरे घाट पर आए हो तो मैंने बिना ही दलील किए आपको गंगा की नाव में बैठा के पार कर दिया है, आप भवसागर के केवट हो और जब मैं भवसागर आऊँ ना, ये संसार के सारे लोग दुनिया में कितने भी बुरे कर्म करते रहे आप नहीं बोलते हो यहाँ पर, और बोलते हो हाँ बेटा किए जा,
लेकिन आप भवसागर पर जब ये जीवात्मा पहुंचता है तब आप चुटिया पकड़ करके पूछते हो कि बताओ भजन किया कि नहीं किया, भक्ति की कि नहीं की, मुझे याद किया कि नहीं किया, दान किया कि नहीं किया, धर्म का काम किया कि नहीं किया। और वो कहता है बेचारा कि किया तो नहीं है, तो श्री राम जी कहते कि फिर आप चुटिया पकड़ के इसको डुबो देते हो। तो आपसे वहाँ काम पड़ता है लोगों को, यहाँ तो सब अपनी मनमानी कर लेते हैं लेकिन वहाँ आप पकड़ते हो कि किया अच्छा कर्म तो पार करूँ नहीं तो डूबूं। तो उस टाइम जब मैं आऊँ ना तो मुझसे एक भी क्वेश्चन आप मत करना, और फ्री में आराम से नाव में बैठाना और आराम से मुझे पार कर देना, तो मेरा और आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। तो राम जी भी हंसने लगे, बोले तुम तो बड़ी सोचते हो लंबी। तो श्री राम केवट जी ने कहा कि आपके दर्शन करने के बाद सारी बुद्धि आ जाती है प्रभु। राम जी भी हंसने लगे, केवट जी ने मना कर दिया कि आप जब राजा बनोगे प्रभु मैं ले लूँगा। तो श्री राम जी ने अखंड भक्ति का वरदान श्री केवट महाराज जी को दिया। केवट जी ने बार बार कहा कि प्रभु मेरे मन में वैराग्य हो गया है, मैं भी आपके साथ में चलूँ, मुझे अब घर में जाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो श्री राम जी ने कहा कि केवट मेरा एक स्वभाव है कि अगर आप साधु हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप गृहस्थी हो तो आपका धर्म आपके परिवार का पालन पोषण करना प्रथम धर्म है, वो करते रहो और घर में ही परिवार सहित मेरा भजन करो। जब चाहोगे, जब इच्छा होगी, जहाँ चाहोगे वहीं पर मुझे तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा, अपने हृदय में तुम मुझे पाओगे। ऐसा आशीर्वाद श्री राम जी ने दिया और श्री सीताराम जी लक्ष्मण लाल जी यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। दूर तक जाते तब तक श्री केवट महाराज जी देखते रहते हैं, आंखों से जब ओझल हो गए उसके बाद श्री राम जी की जहाँ चरण धूली थी वहाँ पर श्री केवट जी लोट लगाते हैं। और अब नैया को बैठ करके नहीं लाए हैं, नैया को दूसरी नाव में बांध करके उस पार ले गए हैं। और अब ये नैया क्या हो गई है, श्री केवट महाराज जी की आजीविका का साधन नहीं है, क्या है, नैया अब बन गई है, इनका मंदिर बन गया है। जहाँ पर श्री सीताराम जी के चरण पधरा जाते हैं वहाँ वो स्थान तो मंदिर हो जाता है, इसलिए रोज केवट महाराज जी नैया की पूजा करते हैं। बोले ये तो हमारी अब गाड़ी नहीं, ये हमारा मंदिर हो गया है। तो रोज आरती वंदन पूजन करके इस तरह अपना जीवन यापन श्री केवट महाराज जी करते हैं। अब इधर श्री राम जी पहुँचते हैं प्रयागराज में, वहाँ पर पहुँचने के बाद में श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं और वाल्मीकि जी से श्री राम जी पूछते हैं कि बताइए प्रभु मेरे रहने का सुंदर स्थान बता दीजिए, मैं कुछ समय वनवास का यहाँ पर रहना चाहता हूँ, तो आसपास कोई सुंदर जगह हो तो बताओ। तो श्री वाल्मीकि जी को हंसी आ गई कि आप ऐसा स्थान बताओ कि जहाँ पर आप नहीं हो, कोई खाली स्थान हो तो मैं आपको रहने के लिए बता दूं, कण कण में तो आपका निवास है, कहाँ मैं बता दूं कि आप वहाँ पर रह जाओ। तो श्री राम जी का देखो बोल पट्टी मत खोली महाराज जी, और आप तो रहने का स्थान बता दीजिए। तो वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर 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 स्थान बताए हैं और एक स्थान ऐसा भी बताया वाल्मीकि जी ने, कहा है जिनकी श्रवण समुद्र समाना, श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना,
वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु जिनके कान जो सदैव आपकी कथा सुनते सुनते भी कभी भरते नहीं है, समुद्र में कितनी भी नदियाँ मिलती है समुद्र यही कहता है कि और आने दो और आने दो और आने दो। जिस तरह समुद्र में जिज्ञासा रहती है उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते भी जिनके कान कभी भरे नहीं यही कहे कि और सुने ऐसे आपके कथा प्रेमी व्यक्ति के हृदय में आप प्रत्यक्ष निवास कीजिए। जो आपके तीर्थ को चल करके जाए उस व्यक्ति के हृदय में आप प्रत्यक्ष रहिए। और फिर बोलते बोलते वाल्मीकि जी ने बहुत स्थान बताए और अंत में कहा श्री राम जी से कि प्रभु आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि सकाम भक्तों के हृदय में आप थोड़ा सा डर के रहना और निष्काम भक्तों के हृदय में आप निर्भय होकर के रहना। बोले क्यों? बोले जो सकाम भक्त वाले सकाम भक्ति वाले हैं माने जो सकाम है वो दो अगरबत्ती भी लगाएंगे तो बहुत सारी डिमांड आपसे करेंगे कि ऐसा भी कर देना वैसा भी कर देना तब जाकर के आपको हृदय में रहने देगा। जैसे मकान मालिक एक महीने में आ जाता है कि भैया किराया दो नहीं तो यहाँ से निकलो, तो वैसे ही संसारिक लोगों के हृदय में अगर आप रहोगे तो ये लोग यही कहेंगे कि प्रभु किराया तो देना पड़ेगा। और निष्काम भक्तों के हृदय में अगर रहोगे तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या नहीं होगी। भक्त कुछ मांगता नहीं है प्रभु, इसलिए निष्काम भक्तों के हृदय में रहिए। और बाद में श्री राम जी को कहा कि चित्रकूट धाम परम सुंदर परम रमणीय स्थान है, आप चित्रकूट धाम में निवास कीजिए। तो श्री प्रभु अति प्रसन्न हो जाते हैं और चित्रकूट धाम में श्री प्रभु का निवास होता है। चित्रकूट धाम श्री राम जी की सुख भूमि है, सुख के समय उन्हें वन मिल गया था इसीलिए ये जो स्थान है ये सुख भूमि श्री राम जी की है। सुंदर कुटिया का निर्माण हुआ, श्री लक्ष्मण लाल जी अखंड पहरा दे रहे हैं। निषाद महाराज जी को श्री राम जी ने यहाँ से लौटाया है। निषाद महाराज जी गंगा के पार आते हैं और अभी भी गंगा के पार जब आकर के देखा तो श्री सुमंत महाराज जी यहाँ से अभी भी गए नहीं है। घोड़ों को बार बार खड़ा करे श्री सुमंत महाराज जी तो वापस हिनहिना करके उधर ही देखते हैं जिधर से श्री राम जी गए हैं। इसीलिए घोड़े तक भी श्री राम जी के बगैर अयोध्या में जाना पसंद नहीं करते हैं। निषाद महाराज जी दौड़ करके आए और कहा महाराज आप अयोध्या के महामंत्री हो और आपकी आवश्यकता अयोध्या को बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप धैर्य को धारण करो और यहाँ से प्रस्थान करो। चार कोल भीलों को निषाद महाराज जी ने सुमन जी के साथ में भेजा और सुमंत महाराज जी रथ को लेकर के अयोध्या की ओर आए। सुमन जी ने सोचा कि यहाँ पर रात्रि में प्रवेश करूँगा क्योंकि अगर मैं दिन में गया तो सारी अयोध्या के लोग पूछेंगे कि श्री राम को कहाँ छोड़ कर के आए, सीता को कहाँ छोड़ के आए, लक्ष्मण को कहाँ छोड़ कर के आए, तो मैं किस किस के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, इसीलिए मैं रात के समय में जाता हूँ। दिन भर पश्चाताप कर रहे श्री सुमंत महाराज जी कि श्री राम जी के वियोग में अगर प्राण छूट जाते तो आज इतिहास में मेरा भी नाम होता, लेकिन श्री राम जी चले गए और अब रोने से फायदा क्या है। उसी समय संध्या के समय में सुमन जी ने धीरे धीरे रथ को बढ़ाया लेकिन तब भी रथ के पहियों की गड़गड़ आवाज़ आई तो सारी अयोध्या के लोग दौड़ते हुए आए। रथ को देखा तो रथ पर एक भी नहीं है। सारे लोग पूछने लगे सुमन जी से कि श्री राम कहाँ है, श्री जानकी जी कहाँ है, लक्ष्मण लाल जी कहाँ है। तो श्री सुमन जी ने कहा कि मैं अयोध्या का महामंत्री हूँ और महामंत्री होने के नाते मैं आपको आदेश करता हूँ कि मुझसे कोई भी प्रश्न ना किया जाए और मुझे सीधा श्री महाराज दशरथ जी के पास में लेकर के चलो। सारे लोग श्री महाराज दशरथ जी के महल में सुमन जी को लाते हैं, जय जीव कहकर के चरणों में प्रणाम किया। श्री महाराज दशरथ जी ने नेत्र खोले तो देखा सुमन जी अकेले हैं, ना तो साथ में सीता जी है, ना लक्ष्मण लाल जी है, ना ही श्री राम जी है, कोई भी इनके आसपास में नहीं है। रोने लग जाते श्री महाराज दशरथ जी के सामने सुमन जी चरणों में गिर करके फूट करके रोने लगते हैं कि आज पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है महाराज कि मेरे से किसी भी आदेश का पालन नहीं हुआ है।
जीवन में आपने कोई भी आदेश का पालन मुझे आदेश दिया है तो मैंने कठोरता से उस आदेश का पालन किया है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि आपने कोई आदेश दिया और मैं उस आदेश का पालन नहीं कर पाया। सुमन जी चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि महाराज मैंने बहुत कोशिश की श्री राम जी को लाने की, लेकिन राम जी ने मुझसे ऐसा शास्त्रार्थ किया कि मुझे निरुत्तर कर दिया। उसके बाद में मैंने बहुत कोशिश की जानकी जी को लाने के लिए, लेकिन जानकी जी ने भी पातिव्रत धर्म का आश्वासन दे करके मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लक्ष्मण लाल जी भी नहीं आए, लेकिन लखन लाल जी ने जो शब्द कहे हैं वो मैं आपको नहीं कह सकता। तो श्री सुमन जी ने कहा कि मैं आपको लखन लाल जी ने जो कहा है वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि श्री राम जी ने मुझे सौगंध दी है कि लखन ने जो कहा है वो पिताजी से मत कहना। तो श्री महाराज दशरथ जी ने कहा कि सुमंत अगर आप नहीं भी कहोगे तब भी मैं जानता हूँ कि लक्ष्मण ने मेरे लिए कौन से वचन कहे हैं, कौन से शब्द कहे होंगे। लक्ष्मण ने यही कहा होगा ना कि मैं ऐसे पिता को स्वीकार नहीं करता हूँ जिसने नारी की आसक्ति में श्री राम जैसी संतान का त्याग कर दिया है, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा पिता, यही कहा होगा ना, क्योंकि मैं जानता हूँ श्री राम खेल में भी कभी विपक्षी दल को स्वीकार नहीं करता है, वो कभी भी खेल में भी श्री राम के विरुद्ध नहीं होता है। तो मुझे मैं जानता हूँ लक्ष्मण ने मुझे पिता ही कहने से इनकार किया होगा। सुमन जी चरणों में गिर गए कि महाराज कुछ भी कहा होगा लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। अब श्री महाराज दशरथ जी ने देख लिया कि तीनों में से कोई भी नहीं आए हैं और श्री राम जी 14 वर्ष के लिए यहाँ से चले गए, तो श्री महाराज दशरथ जी की स्थिति अब खराब होने लगी है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और बार बार श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, रोम रोम से श्री राम जी का नाम निकल रहा है। और श्री महाराज दशरथ जी ने सोच लिया कि अब इस जीवन से कोई फायदा नहीं है, बार बार मन में सोचते हैं कि श्री राम मेरी वो संतान है कि आज मैं राजा बना रहा हूँ तब भी वो कोई ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुए, कल उन्हें वन मिल गया तब भी वो दुखी नहीं हुए हैं, मेरे हर आदेश का पालन उन्होंने बिल्कुल मुस्कुराते हुए करा है, ऐसी संतान के बिछड़ते ही ये प्राण बच जाए ये मेरे प्राण का गौरव नहीं है, मैं प्राण को छोड़ना ही चाहता हूँ। और श्री मैया कौशल्या बार बार चित्रपट को लाते श्री राम जी के और बार बार कहती है कि देखिए महाराज आप धैर्य को धारण करिए, आप संपूर्ण अयोध्या के इस जहाज के कर्णधार है और कर्णधार अगर डूब जाए तो जहाज का डूबना निश्चित हो जाता है, इसलिए महाराज धैर्य को धारण करो, अभी अवधि बीते और अभी श्री राम जी आए आप चिंता मत करो। लेकिन श्री महाराज दशरथ जी महापुरुष है, ये अपनी मृत्यु भी अपने हाथ से अपने चिंतन से अपनी इच्छा से कर सकते हैं। महाराज दशरथ जी ने मन ही मन में ठान लिया कि श्री राम के वियोग में अब मैं जीना नहीं चाहता, श्री राम जी के वियोग में श्री महाराज दशरथ जी डूबे हैं, करुणा करके श्री राम महाराज दशरथ जी बोल उठते हैं कि रघुनंदन जैसी संतान का त्याग हो गया, वो चले गए तो अब मुझे जीना नहीं है। बार बार उन्हें एक ही शब्द कान में सुनाई दे रहा है कि राजन पुत्र के वियोग में आपकी भी मृत्यु होगी, पुत्र के वियोग में आपकी भी मृत्यु होगी, पुत्र के वियोग में आपकी भी मृत्यु होगी। महाराज दशरथ जी बार बार कहते कौशल्या देखो कहीं से आवाज आ रही है, कोई मुझे श्राप दे रहा है, देखो तो सही कोई चित्र मुझे दिखाई दे रहा है, श्राप कौन दे रहा है? श्रवण कुमार के माता पिता महाराज दशरथ जी को श्राप दे रहे हैं। युवा अवस्था में श्री महाराज दशरथ जी से दो गलती हो गई और संसार के लोगों ये कथा शिक्षा देती है कि जब साक्षात श्री राम जी के पिता से गलती हुई तो माफी नहीं मिली, उन्हें भी कर्म का फल मिला तो आप और हमको क्यों नहीं मिलेगा। महाराज दशरथ जी युवा अवस्था में थे तो शब्द वेदी बाण सीखे थे, नियम था कि रात्रि में शिकार नहीं करने जाना है, राजाओं को शिकार करने का अधिकार होता है तो रात्रि में आप शिकार करने नहीं जा सकते, महाराज दशरथ जी रात में ही निकल पड़े, नया नया शब्द भेद बाण सीखे थे। दूसरा आदेश था कि आप हिंसक पशु का ही वध कर सकते हो, निर्दोष का नहीं करना है। तो जिस समय श्रवण कुमार जल का घड़ा भर रहा था उस समय गड़गड़ करके आवाज आई तो ये महाराज दशरथ जी सोचे कि हाथी पानी पी रहा है तो मैं इस बाण को छोड़ दूं। तो हाथी हिंसक नहीं होता है, निर्दोष होता है, फिर भी हाथी समझ करके महाराज ने बाण को छोड़ दिया। वो बाण श्रवण कुमार के वक्षस्थल पर लगा
श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज मैं तो आपको क्षमा कर दूंगा, लेकिन शायद मेरे माता पिता आपको माफ नहीं करेंगे, पर फिर भी आप जीवन पर्यंत उनकी सेवा करना। जल का घड़ा लेकर के जैसे श्री महाराज दशरथ जी गए, श्रवण कुमार के पिता समझ गए कि ये जो जल का घड़ा, आंखों से दोनों लोग अंधे थे इनके माता पिता, ये जो सामने मेरे है, हमें आभास हो रहा है कि श्रवण कुमार हमारा बेटा श्रवण नहीं है, आप कौन हो? तो श्री महाराज दशरथ जी रोते कहने लगे कि आपने सही पहचाना, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और आपके लिए जल लाया हूँ। हमारा बेटा कहाँ है राजा राजन? तो श्री महाराज दशरथ जी ने कहा कि महाराज मुझसे गलती से बाण लग गया और श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। यह सुनते ही श्रवण कुमार के माता पिता ने जल का घड़ा फेंक दिया और कहा कि श्रवण कुमार जैसी संतान नहीं बची तो हमें इस पृथ्वी पर जीना नहीं है। राजन हम तो जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस तरह पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु आपकी वजह से हुई है, उसी तरह पुत्र तो आपके चार होंगे, लेकिन जिस समय आपके प्राण निकलेंगे एक भी संतान आपके पास में नहीं होगी। तो ये श्राप महाराज दशरथ जी के कानों में गूंज रहा है। देखो कौशल्या मुझे कोई श्राप दे रहा है। कौशल्या मैया धैर्य बंधवाती है कि राजन आप धैर्य धारण कीजिए, चिंता ना करिए, कल श्री राम आ जाएगा। लेकिन श्री महाराज दशरथ जी ने तो सोच लिया है कि अब जीने से कोई लाभ नहीं है। रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियते बहुत दिन बीते। रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियते बहुत बार बार याद करते हैं कि हाँ रघुनंदन हाँ जानकी लखन आपके बगैर जी जी करके बहुत समय बीत गया है। रोते हुए श्री महाराज दशरथ जी के प्राण कंठ तक आ गए हैं। श्री कौशल्या मैया ने देख लिया है कि अब शायद महाराज बचेंगे नहीं। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को श्री महाराज दशरथ जी ने समेट लिया है। आंखों में श्री राम जी है, मुख में श्री राम जी का नाम है और सुमंत जी से श्री राम जी ने कहा, श्री महाराज दशरथ जी ने कहा कि सुमंत मेरा अंतिम आदेश है जिसका पालन आपको बहुत कठोरता से करना है। मेरे मरने के बाद मेरे प्राण जब निकल जाए तो वो केकई दौड़ करके आएगी, तो मेरा अंतिम आदेश आपको यही है कि वो केकई कितना भी पश्चाताप करे लेकिन उसके पार्थिव शरीर मेरे पार्थिव शरीर पर भी केकई की परछाई तक गिरना नहीं चाहिए। और दूसरा मेरा आदेश यह है कि आप सारी खोज सारा जितना भी यहाँ पर जो कुछ हुआ है सारी बात की खोजबीन करना, और अगर श्री राम के वनवास में
एक तील बराबर भी श्री भरत का हाथ हो तो मेरा अंतिम संस्कार आपके हाथ से हो जाना चाहिए, श्री भरत के हाथ से नहीं होना चाहिए। ये दो आदेश मैं आपको दे करके जा रहा हूँ, जिसका कठोरता से आपको पालन करना है। यह सुनते ही श्री महाराज सुमन जी चरणों में गिर पड़े और इधर श्री महाराज दशरथ जी ने दोनों हाथ जोड़ करके राम राम कही, महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण को छोड़ दिया है। छह बार राम राम क्यों बोला? बोले सामने तीन लोग थे, इसीलिए तीनों से राम 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 कह करके, छह बार कह करके श्री महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण को छोड़ दिया है। उसी समय श्री मैया कौशल्या ने देखा कि महाराज दशरथ जी का मस्तक एक तरफ हो गया, मने लटक गया और हाथ नीचे फिसल गया, तो श्री मैया पछाड़ खा करके गिर गई। सारी अयोध्या में करुणा छा गई, सारे लोग रोते हैं, पूरी अयोध्या में करुणा छा गई, संपूर्ण लोग रो रहे हैं। आज जिसका अन्नदाता चला गया वो भला प्रसन्न कैसे रह सकता है, इसीलिए सारे लोग रोते हैं। श्री वशिष्ठ महाराज जी ने भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी को बुलवाने के लिए एक दूत को भेजा। अति शीघ्र गति से दूत ननियाल में श्री भरतलाल जी के पास में पहुँचे। जब से अयोध्या में ये सब षड्यंत्र रचा है, ये सब चीज़ हुई है घटना, तब से श्री भरतलाल जी को बहुत अपसकुन हो रहे हैं। रोज़ सुबह उठकर के शिव जी का अभिषेक करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी अयोध्या में कुछ बिगड़ा ना हो, मेरी अयोध्या में कुछ बिगड़ा ना हो, और सुबह उठ करके रोज़ प्रार्थना करते हैं। आज दूतों ने जैसे सूचना दी, श्री भरतलाल जी को कहा कि आपको अति शीघ्र गुरु जी ने बुलवाया है। यह सुनते ही श्री भरतलाल जी पवन वेग से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े रथ पर जुतवाए और उस रथ पर आरूढ़ होकर के श्री भरतलाल जी शत्रुघ्न जी यहाँ से चलते हैं। श्री राम जी का नाम हृदय में लेकर के श्री भरतलाल जी का रथ यहाँ से आगे बढ़ा है।